बिहार में 18 प्लस वालों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की लंबी लाइन। पटना के 13 केंद्रों पर हो रहा वैक्सीनेशन, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के आधार पर वैक्सीनेशन। देश में लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 4092 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के 37,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 3,86,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। आईएमए की केंद्रीय सरकार से अपील, कहा कि संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन ही विकल्प है, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगाने से नहीं बनेगी बात। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आरोप, कोरोना को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री सुस्त, सरकार ने लॉकडाउन के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंका। यूपी में एक हफ्ते और बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू, प्रदेश में इस बार और सख्त होगा कोरोना कर्फ्यू, बिना ई पास के कोई भी घर से नहीं निकल पाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना से कोहराम, पिछले 17 दिन में 18 प्रोफेसरों की कोरोना संक्रमण से मौत। एएमयू में हर रोज एक प्रोफेसर की कोरोना से हो रही है मौत, अब लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर शकील समदानी भी नहीं रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना ने कई डिपार्टमेंट के हेड के लिए जान, कई प्रोफेसर और स्टाफ अभी भी हैं संक्रमित। यूपी में भी जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में आए 27,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 372 लोगों की मौत हुई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला, आज से शताब्दी, राजधानी, दुरंतो और वंदे भारत समेत 28 ट्रेन रद्द, अगले आदेश तक जारी रहेगा फैसला। यूपी के नोएडा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 7 लोगों के साथ भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद। कोरोना की दवा बनाने में भारत को मिली दूसरी कामयाबी, भारत बायोटेक के बाद डीआरडीओ ने बनाई एंटी कोविड दवा। डीजीसीआई ने दी डीआरडीओ की कोविड ड्रग को इमरजेंसी यूज की मंजूरी, इस दवा से कोरोना मरीज जल्द ही हो रहे हैं ठीक। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई का होगा ऑडिट, केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने किया ऑडिट टीम का गठन। ऑडिट टीम के सदस्य एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी होंगे, मैक्स हेल्थकेयर के डॉक्टर संदीप और केंद्र और दिल्ली सरकार के एक एक आईएएस भी होंगे शामिल। दिल्ली को रोजाना 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक केंद्र को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अब तक करीब 3,400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ढुलाई हो चुकी है, महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी पहुंची ट्रेन। नेशनल हाईवे के टोल नाकों पर ऑक्सीजन टैंकर्स की आवाजाही हुई फ्री, ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी लाने के लिए सरकार का फैसला। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भारत के पक्ष में बड़ा बयान, कहा कि वैक्सीन पर दुनिया भारत को लेक्चर ना दे, भारत ने वैक्सीन देकर के मानवता की सेवा की। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कोहराम जारी, 24 घंटे में 19,832 नए मामले आए सामने, एक दिन में 341 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, एक दिन में 898 लोगों की मौत हुई। नागपुर में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 3,827 नए मामले आए सामने, 21 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमितों को भर्ती करने के नियमों में स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बदलाव, एडमिशन के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट होना जरूरी नहीं, लक्षण होने पर भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते अस्पताल। कोरोना संकट के बीच यूपी की अमेठी में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, गौरीगंज हॉस्पिटल में तैनात एक स्वास्थ्यकर्मी पकड़ा गया। एमपी के इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों का हंगामा, अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर किया बवाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज काशी दौरा, बीएचयू में 750 बेड के अस्पतालों का लेंगे जायजा, डीआरडीओ की मदद से तैयार किया गया है अस्थायी अस्पताल। यूपी में होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों की मदद, प्रशासन जरूरतमंद मरीजों को मुहैया करा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। मुरादाबाद और बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया कोविड कमांड कंट्रोल रूम का जायजा, रोकथाम की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ किया मंथन। कोरोना से जंग में सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों को दिए निर्देश, हर जिले में हो बच्चों और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल। यूपी में कोविड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मौत पर आर्थिक सहायता का ऐलान, कोरोना से मौत पर मिलेगा 50 लाख की मदद। लखनऊ में कोविड से होने वाली मौतों को लेकर आदेश, नगर निगम को निःशुल्क अंतिम संस्कार कराने का आदेश। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 8,390 नए मरीज, 118 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर का कहर, पिछले 24 घंटे में मिले 12,948 नए मामले, राजधानी पटना में रिकॉर्ड 2,498 नए संक्रमित, 76 की मौत।
झारखंड में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में मिले करीब 6000 नए मामले, 136 लोगों की मौत। बिहार के लखीसराय सदर अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। बिहार के बेतिया में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, लॉकडाउन के बावजूद दुकानदार चोरी छिपे ग्राहकों को बेच रहे थे सामान। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन सख्त, बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस का चल रहा है डंडा, कई वाहन भी जब्त। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बेटा ईएसआईसी कोविड अस्पताल को किया गया है सेना के हवाले, सेना के 80 सदस्य चिकित्सा दल पहुंचा अस्पताल। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने वालों का पुलिस ने सिखाया सबक, एम्बुलेंस में बैठे डमी कोरोना मरीज से मिलवाया कोरोना खलनायकों के फूले हाथ पैर। छत्तीसगढ़ में भी नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में आए 13,628 नए मामले, एक दिन में 208 लोगों की मौत हुई। सीएम शिवराज सिंह ने दिया अस्पताल में आईसीयू बेड बढ़ाने के निर्देश, बोले सरकार का संकल्प, मरीजों को नहीं होगी बेड की कमी। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन पर जारी है सियासत, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र, वैक्सीनेशन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मांगा समय। एमपी से जुड़े गुजरात के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट के तार, गुजरात पुलिस ने जबलपुर से भगवती फार्मा के संचालक सपन जैन को किया गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में एक दिन में 17,987 नए पॉजिटिव केस सामने आए, 107 मरीजों की मौत। चुरू के पत्रकार नरेंद्र राठौड़ के निधन पर सीएम गहलोत ने जताई संवेदना, नरेंद्र राठौड़ के पिता भंवर सिंह राठौड़ को भेजा शोक संदेश। कोरोना के चलते राजस्थान में मनरेगा का काम बंद हो चुका है, 10 से 24 मई तक मनरेगा का काम पर लगी रोक, 20 लाख से ज्यादा श्रमिक प्रभावित होंगे। जयपुर में एसएमएस अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता, कोरोना संक्रमित मरीज का शव कोविड से बीमार लोगों के बीच रखा, मरीजों के हंगामे के बाद हटाया गया शव।